वेलकम दोस्तों, आईडीएट सीबीएसई स्कूल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन, जो सीबीएसई की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या कंप्लायंस है, किस तरह से वो सब्जेक्ट को किस तरह से अज्यूम किया है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को जोड़ के आपस में किस तरह से सिंगल विंडो या सिंगल सब्जेक्ट में इसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में इसको डाला गया है, सारी चर्चा यहाँ पर करेंगे। किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एक्टिविटीज़ इसमें बताई गई है और किस तरह से स्कूल वाले इसका कंप्लायंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर सीबीएसई स्कूल। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है जो सीबीएसई स्कूल्स में मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेड किया गया है। उसे चार हिस्सों में बांटा गया है, फोर स्ट्रैंड्स फॉर दिस हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आते हैं, सेकंड में हेल्थ एंड फिटनेस आता है, थर्ड में सर्विस या सेवा आता है और फोर्थ में रिकॉर्ड कीपिंग आता है, यानी हेल्थ एंड एक्टिविटी कार्ड रिकॉर्ड होता है, वो चौथे हिस्से में आता है। और फॉर दी सेक ऑफ क्लैरिटी, ऐसा माना जाता है कि हर साल कम से कम 200 पीरियड्स जो हैं वो साल में कम से कम बच्चों को दिए जाएं इन चार हिस्सों में बांट के। जैसा कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा, यानी 90 पीरियड्स, हेल्थ एंड फिटनेस को लगभग 50 पीरियड्स और सेवा को 50 पीरियड्स और रेस्ट 10 पीरियड्स में हेल्थ एंड एक्टिविटी कार्ड के लिए दिया जाए, यानी टोटल 200 के आसपास जो है वो पीरियड्स हैं और 100 मार्क्स हैं, 50, 25, 25 एंड 0। सो टोटल 100 मार्क्स के लिए क्लास 10 में जब बच्चे जाएंगे तो उसके पहले ये हेल्थ रिकॉर्ड मैंडेटरली अपडेट करना पड़ेगा सीबीएसई के साइट पर। तो जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें इसे न केवल इम्प्लीमेंट करना है बल्कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह के। तो इसमें जो है सीबीएसई ने बहुत क्लियरली चार हिस्सों में इसे बांटा है और हर हिस्से पे अपनी एक्टिविटीज़ हैं जिसे कंप्लायंस करना है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक इसे कंप्लायंस करना है स्टूडेंट्स के लिए। और इसके पहले भी जो बच्चे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बेसिकली क्लास 9 से 12 तक में कंप्लायंस सीबीएसई चाहता है कि वो उन्हें इसका डिटेल दिया जाए, सबमिट किया जाए, इसीलिए क्लास 9 to 12 इसे बोला जाता है। लेकिन सारे ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो इसमें स्ट्रैंड है या पार्ट है, जिसे पार्ट कहते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पार्ट है, जिसके अंदर में एथलीट है या स्विमिंग है, कोई एक कम से कम बच्चे को चूज करना है। एथलीट के अंदर में भी कई एक सब सेक्शंस हैं, जैसे लॉन्ग जंप के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है, लॉन्ग जंप या हाई जंप के बारे में मेंशन नहीं है, बट हाई जंप, लॉन्ग जंप, फास्ट रनिंग, स्प्रिंट रनिंग और इसके अलावा लॉन्ग रनिंग, इन चीज़ों को इस एथलीट में इसे रखा गया है। 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स में कॉम्पिटिटिव रनिंग्स में इसे रखा गया है। पोटिंग द शॉट्स बोल के जो फेंकने का, जो गेंद को फेंकने का जो गेम्स है उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें सेकंड में इन्वेशन गेम्स को भी इसमें रखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इन्वेशन गेम में बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, उसके बाद फुटबॉल, सॉकर, जूडो, कराटे को भी इन्वेसिव गेम में रखा गया है सेल्फ डिफेंस में। नेट गेम्स में बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, इन चीज़ों को रखा गया है। जो कि आप इसमें समस्या ये है कि बच्चे इसमें से कौन कौन सा गेम्स को खेल सकते हैं, तो कम से कम एक गेम्स को उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनिंग गेम्स है, जैसे क्रिकेट का गेम है या खो खो गेम है, सॉफ्ट बॉल्स है,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनिंग गेम्स के अंदर में किया गया है। और टारगेट गेम में आर्चरी है और अन्य बाउल्स गोल्फ वगैरह जो है वो इंडिविजुअल गेम्स में टारगेट गेम्स में रखा गया है। बेसिक जो ये सारे गेम्स जो बताए गए हैं, इनका मेन मकसद है कि बच्चों के अंदर फिजिकल फिटनेस रहे, इमोशनल स्टेबिलिटी रहे, मेंटल एजिलिटी रहे, मेंटली स्वस्थ रहे, यानी फिजिकली स्वस्थ रहे, और किसी भी समय में वो फिट रहे, अपने जीवन काल में फिट रहे, लाइफ लॉन्ग हेल्थ फिटनेस रहे, हेल्थ फिटनेस का एक हैबिट हो, इसके लिए ही ये सारी प्रयास की जाती रही है। और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा CBSE ने इम्पोर्टेंस दिया, यानी हर दिन कम से कम एक क्लास डेडिकेट किया जाना चाहिए हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो इसी के तहत जो है बहुत सारे गेम्स को उन्होंने रिकमेंड किया है। इंडिविजुअल गेम्स में जिमनास्टिक्स वगैरह को रिकमेंड किया है, स्केटिंग को रिकमेंड किया है, जूडो को किया है, रेसलिंग को किया है, बॉक्सिंग को किया है। इसके अलावा जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी उन्होंने बनाया, जैसे ट्रैकिंग है, स्काई बाइकिंग है, माउंटेनियरिंग है, इस तरह के जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कैंपिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि आप इसे भी एज ए गेम्स, एज ए स्पोर्ट्स इसको ले सकते हैं और बच्चों में इस तरह का पैशन कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अप्रेजल की सिस्टम बनाई गई है जिसमें प्रत्येक बच्चों को असाइनमेंट दिया जाएगा, उन्हें अप्रेस करने के लिए जो मेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, उनको सेपरेट रोल दिया गया है, जो कि इसमें मेंशन क्लियरली उनके मैनुअल्स में मेंशन किया गया है कि उसे प्रॉपरली असेस होना चाहिए कि बच्चे कहाँ तक क्या प्रोग्रेस किया नहीं किया। सेकेंड में हेल्थ और फिटनेस आता है, जिसमें उन्होंने योगा और एरोबिक्स है, योगा है, और फिजिकल ट्रेनिंग्स के और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, जिम हैं, इन सारी चीज़ों को इन्होंने रखा है। और इस पर 25 मार्क्स दिए गए हैं, 50 पीरियड्स दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी फिजिकल ट्रेनिंग्स को लेके, एरोबिक्स या योगा या पावर योगा, इस तरह के जितने भी जो फिजिकल फिटनेस के लिए जो किए गए हैं, हेल्थ और फिटनेस के लिए, उसे इसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरे नंबर पर सेवा है, सेवा में बहुत सारी चीज़ों को लिया गया, केवल सेवा इन द सेंस नॉट सोशल सर्विस बट इन द सेंस कोई टूर्नामेंट है, स्पोर्ट्स मीट है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, या एग्जीबिशन है, साइंस का एग्जीबिशन है, लैंग्वेज क्लब है, साइंस फेयर है, या बुक फेयर है, या किसी तरह का ऑनलाइन वॉलंटियरिंग है, या इस तरह का कोई आर्ट एग्जीबिशन है, योगा के ऊपर में कोई रिसर्च है, या लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, या स्कूल बेस्ड ही कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा मॉडल यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम को, ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम्स को, और भी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया, टेटेड क्लब के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो गवर्नमेंट बैक जितने भी प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, इस तरह के जो डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स, जो कैंपेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स ने जो चला रखे हैं, उसके ऊपर भी आप प्रोग्राम करवा सकते हैं, ट्रैफिक के ऊपर प्रोग्राम करवा सकते हैं, अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम करा सकते हैं, स्कूल गार्डनिंग के ऊपर प्रोग्राम करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को, इसके अलावा लाइफ स्किल सीखने के ऊपर प्रोग्रामिंग करा सकते हैं, इन्वायरमेंटल के ऊपर प्रोग्रामिंग करवा सकते हैं, साइंस के ऊपर प्रोग्राम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो, इसके अलावा एक सेवा का फॉर्म होता है जिसे कंपलसरीली सारे स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, जो कि स्कूल के रिकॉर्ड कीपिंग में जाता है। और फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है हेल्थ और एक्टिविटी कार्ड। हेल्थ एंड एक्टिविटी कार्ड में हालांकि 10 पीरियड्स दिए गए हैं, लेकिन मार्क्स इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें साथ जितने भी आप तीन स्ट्रैंड्स में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्डिंग फोर्थ पे ही होता है, और बच्चे हर प्रत्येक स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, और उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो है वो बच्चों को का असेसमेंट होना चाहिए, और उस असेसमेंट को बाकायदा जो है CBSE में क्लास 10 के मार्क्स के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए। तो इस तरह का प्रोग्राम्स जो है CBSE ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अपने मैनुअल्स में दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन पर उसका PDF का जो लिंक है उसे शेयर कर दिया है, तो कोई भी स्कूल उस मैनुअल्स को पढ़ सकता है। पर ये ध्यान में रखना है, ये 100 मार्क्स का है, ये क्लास 9 से क्लास 12 तक एप्लीकेबल है, और इसमें 4 स्ट्रैंड यानी 4 पार्ट्स हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, हेल्थ एंड फिटनेस है,
और सेवा यानी सर्विस है, और फोर्थ जो है वो रिकॉर्ड मेंटेनिंग है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से बता दिया है। और आपका वीडियो लगातार, आप जिस तरह हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्वेरीज हमें पूछ रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप इसी तरह आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपके विचार में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो हमसे यहाँ पर छूट गई हो तो कृपया हमें बताएं, तो वापस से इस वीडियो को एक एक्सटेंशन या अदर पार्ट्स में हम लोग एक एक्टिविटी के ऊपर में वीडियो बनाएंगे, जैसे किस तरह से कोई स्कूल इस एक्टिविटीज़ को कर सकती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, और आगे के एपिसोड्स में नए किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ में मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।